कि उसे एक्सटेंशन दिया। हमारा पांचवा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि इतने सारे सीनियर मोस्ट अगमुट काडर के जो अफसर हैं, बड़ा ही वेल डेकोरेटेड काडर माना जाता है अगमुट काडर आईएएस अफसरों का, उसकी इतनी लंबी सूची है वरिष्ठ अफसरों की, क्या उसमें एक भी शख्स भाजपा की सरकार को काबिल नहीं लगा मुख्य सचिव के पद के लिए? क्या सिर्फ एक ही अफसर है, एक विशेष अफसर जिसे भाजपा एक्सटेंशन दे रही है? नेशनल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्रारुल अख्तर अहमद। मेरे खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे मुख्य सचिव को लेकर। मुख्य सचिव की नियुक्ति होने के बाद से ही ये ड्रामा जो है चल रहा है। अब जबकि कार्यकाल को बढ़ाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर के भाजपा इस वक्त मैदान में उतर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले पर बड़े दावे कर रही है और ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी दरअसल भ्रष्टाचार नहीं कर पाएगी, भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगा देंगे मुख्य सचिव, और इसलिए नरेश कुमार को जो है यहाँ पर जो है एक तरीके से फंसाया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ राजनीतिक विवाद खड़ा किया जा रहा है ताकि नरेश कुमार जो है वो मुख्य सचिव से जो एक तरीके से जो है अपने कार्यकाल को ना बढ़ा पाए और उन्हें पद से हटना पड़े। हालांकि आम आदमी पार्टी का पक्ष बिल्कुल इससे अलग है। आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर यही कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इतने आईएएस अफसरों में से किसी दूसरे को यहाँ पर उस पद पर नियुक्त नहीं कर सकती? क्या नरेश कुमार ही काबिल ऐसे ऑफिसर हैं जिनको मुख्य सचिव बनाए रखना चाहती है? हालांकि आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है दर्शकों कि भारतीय जनता पार्टी के तो होश तभी उड़ गए थे जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी और 15 वर्षों से चली आ रही उस बड़ी सरकार को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंका था। इस पूरे मामले पर राघव चड्ढा ने भी जोरदार तरीके से पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल तो लगातार इस पर कहीं ना कहीं मोर्चा संभाले हुए पहले से नजर आ रहे हैं। आइए आपको राघव चड्ढा के इस बयान को सुनवाते हैं जो उन्होंने एमसीडी चुनाव में जीतने को लेकर के कहा है और भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर लिया। आम आदमी पार्टी की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पर आज की आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में 3 बार लगातार दिल्ली की सरकार चुनने का चुनाव होया, 2013 में, 2015 में, 2020 में, तीनों बार लगातार आम आदमी पार्टी की जीत हुई और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बने। लगभग भाजपा का सुपड़ा साफ करने का काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया और बीजेपी की सियासी जमीन खिसक चुकी है दिल्ली से। यहाँ तक कि आज नगर निगम के चुनावों में भी अभूतपूर्व समर्थन के साथ आम आदमी पार्टी को दिल्ली के लोगों ने बड़े विश्वास से अपने बेटे, अपने परिवार के बड़े बेटे अरविंद केजरीवाल को जिताकर एक विश्वास मत देते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम में बनाई और भाजपा की नगर निगम में चल रहे कुकर्मों पर ताला लगाया। लेकिन जब भाजपा ये समझ गई कि अब वो कभी भी दिल्ली में ड्राइविंग सीट में नहीं आ सकती, बीजेपी की राजनीतिक दुकान पे ताला लग चुका है दिल्ली में, तो बीजेपी ने हथकंडे अपनाए कि दिल्ली की जो सरकार है उसे डिस्टेबलाइज किया जाए। और डिस्टेबलाइज दिल्ली की सरकार को करने के लिए कभी उपराज्यपाल के माध्यम से, कभी कुछ खास अफसरों के माध्यम से दिल्ली सरकार को अस्थिर करने की लगातार कोशिशें भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और अभी हाल ही में आपने देखा कि दिल्ली के मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी, जो पिछले कुछ दिनों से विवादों में घिरे रहे, जिनको लेकर कई सारी विजिलेंस की रिपोर्ट्स बनी, उन पर आरोप लगे, ऐसे विवादों में घिरे एक खास अफसर को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में जो एक्सटेंशन दिया जाता है सर्विस रूल्स से, जो
जो एक्सटेंशन दिया जाता है उनकी सेवा की, उनकी सर्विस की, उसे एक्सटेंशन देते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम किया जिस काम के चलते हर दिल्ली वाला आज कई सारे सवाल पूछ रहा है। एक सवालों की लंबी छड़ी हर आदमी के जहन में है इस विवादित एक्सटेंशन को लेकर, और कई सारे सवाल आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहेंगे। क्योंकि ये जो एक्सटेंशन की गई, ये अगमुट काडर के तमाम जो बड़े, तो आपने देखा दर्शकों, राघव चड्ढा ये कह रहे हैं कि एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने खदेड़ा, जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा जताया, और दरअसल इस भरोसे की वजह से ही भाजपा जो है वो बौखलाई हुई है। भाजपा को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखे, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि जनता को आप मूर्ख कब तक बनाएंगे। और साथ ही अगर आप दिल्ली सत्ता में आने से पहले जब आप विपक्ष में रहते हैं तो आप ये दावा करते हैं कि दिल्ली की जो सरकार है उसको पूर्ण जो है एक तरीके से ताकत देनी चाहिए, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आते हैं तो आपकी नीयत बदल जाती है, आपकी नीयत में जो है वो खोट नजर आने लगता है। और दरअसल यही भाजपा के दोहरे चरित्र को दर्शाता है, यही मामला बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में कितना अंतर है और भाजपा पर क्यों भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है राघव चड्ढा ने अपनी बातों को रखा, और साथ ही उन्होंने एक और बात कही है दर्शकों, कि मुख्य सचिव क्या एक ही काबिल इंसान है, दूसरे ऑफिसर को क्यों नहीं दिया जाता, ऐसी क्या साठ गांठ है कि भाजपा एरी चोटी का जोर लगाकर नरेश कुमार को ही मुख्य सचिव बनाए रखना चाहती है। इसके पीछे का मकसद, इसके पीछे की रणनीति, इसके पीछे का जो है पूरा षड्यंत्र क्या है, ये भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। आइए आपको सबसे पहले ये भी जो है राघव चड्ढा के बयान को सुनवा दें कि उसे एक्सटेंशन दिया गया। हमारा पांचवा सवाल, क्या भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इतने सारे सीनियर मोस्ट अगमुट काडर के जो अफसर हैं, बड़ा ही वेल डेकोरेटेड काडर माना जाता है अगमुट काडर आईएएस अफसरों का, उसकी इतनी लंबी सूची है वरिष्ठ अफसरों की, क्या उसमें एक भी शख्स भाजपा की सरकार को काबिल नहीं लगा मुख्य सचिव के पद के लिए? क्या सिर्फ एक ही अफसर है, एक विशेष अफसर जिसे भाजपा एक्सटेंशन दे रही है जो इस काम के काबिल? हमारा छठा सवाल, भारतीय जनता पार्टी ये बखूबी जानती है कि पिछले कुछ दिनों में इस विशेष अफसर से संबंधित कई मामले सामने आए, उनका नाम विवादों में घिरा रहा, उन पर आरोप लगे, विजिलेंस रिपोर्ट्स बनी, क्या इन सारी चीजों के मद्देनजर एक विशेष अफसर को एक्सटेंशन देना सही है? ये हम सवाल भाजपा से पूछना चाहते हैं कि क्यों भाजपा उन्हें एक्सटेंशन देने के लिए इतना आतुर है, इतनी हेलबेंट है, ऐसा क्या विशेष इंटरेस्ट है भारतीय जनता पार्टी का इस अफसर के एक्सटेंशन से संबंधित? हमारा सातवां सवाल, ऐसी क्या सांठगांठ और अंडरस्टैंडिंग भाजपा की और इस विशेष अफसर की है, या इनके आपस में ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग या सांठगांठ है जिसके चलते भाजपा सरकार ने इस विशेष अफसर को एक्सटेंशन दिया? हमारा आठवां सवाल, इस विशेष एक्सटेंशन के पीछे भाजपा का क्या हिडन एजेंडा है, ऐसा कौन सा काम भाजपा करवाना चाहती है, ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को वो काम करना पड़ा जो सरकारों में आपातकालीन परिस्थितियों में होता है, कि एक अफसर को उसकी सेवा की तिथि आ जाने के बाद सेवा की तो आपने सुना दर्शकों, राघव चड्ढा दोनों ही मामलों को लेकर के भाजपा को घेर रहे हैं, लेकिन अभी भी ये देखना बाकी है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस मामले में इतनी आसानी से हार मानने वाली है, या वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा को जो माफ कीजिए आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं
यहाँ पर फिर से एक बार पटखनी देती हुई नजर आएगी, क्योंकि इससे पहले भी ऑर्डिनेंस लाकर दिल्ली के उस बड़े कानून को बदल दिया था जो लंबे समय कोर्ट में चलने के बाद आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में जुड़े रहे बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट नाइन न्यूज के साथ।